नेहा कक्कड़ के साथ अपने ब्रेकअप पर हिमांश कोहली ने तोड़ी चुप्पी। कहा नेहा को नहीं करूंगा ब्लेम। नेहा के मूव ऑन करने पर हिमांश ने कही बड़ी बात। साल 2018 में सिंगर नेहा और एक्टर हिमांश का ब्रेकअप हुआ था। नेहा ने ये खुलासा रियलिटी शो के स्टेज पर किया था। रोते हुए नेहा ने पूरा किस्सा बताया जो काफी सुर्खियों में रहा। वहीं हिमांश कोहली ने नेहा संग ब्रेकअप पर चुप्पी साधे रखी थी। हाल ही में हिमांश ने इस पर खुलकर बात की। बॉलीवुड बबल को इंटरव्यू देते वक्त हिमांश ने कहा, वो मेरा ब्रेकअप था, मुझे क्यों दुनिया को चीजें एक्सप्लेन करनी है कि मेरे घर पर क्या हुआ, ये किस तरह दूसरों को परेशान करता है, किसी को क्यों इस मैटर में दिलचस्पी है। हिमांश ने आगे कहा, साल 2018 से ये चीजें चल रही हैं। मैं अब नेहा को भी ब्लेम नहीं करता हूँ, वो आगे बढ़ चुकी हैं, वो खुश है, मैं उनके लिए खुश हूँ, मैं खुद के लिए भी खुश हूँ, मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस का मनोरंजन कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साल 2018 में ही बैठे हैं, वो उससे आगे नहीं निकल पाए हैं। हम साल 2021 में बैठे हैं, हम इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मानना है कि मैंने ही कुछ खराब किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। नेहा ने अपनी चीजें की, वो निराश थी, गुस्से में थी, उन्होंने कुछ पोस्ट किया होगा, मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। अब कौन ज्यादा टॉक्सिक है, वो लोग टॉक्सिक हैं जो जबरदस्ती आपको पोक करते हैं जिसकी जरूरत नहीं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कभी इस पर बात भी नहीं की। मैं नेहा पर कुछ भी खराब नहीं कहना चाहता हूँ, हम एक समान थे, प्यार नहीं था, नफरत भी नहीं थी। अगर हम ये मेंटेन कर सकते हैं तो अब लोग भी इसमें तसल्ली कर सकते हैं। वेल, क्या कहना है आपका हिमांश के स्टेटमेंट्स को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।